सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। कोई प्रचार में लगा है तो कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है, कहीं बैठक किसी के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी भी किसी मामले में कम दिखाई नहीं दे रही है, जहां एक कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक की गई जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने और करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई। बांसी नगर पालिका से समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चमन रायनी के घर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जैसे 10 साल से समाजवादी पार्टी में बांसी नगर पालिका में विकास किया है, वैसे और भी विकास होगा, और सभी कार्यकर्ता अपने वोटों के साथ अपने अपने मोहल्लों में साइकिल पर 11 मई को बटन दबाने के लिए लोगों से अपील करें। चुनाव जीतना, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है और तुम चुनाव जीते। कार्यकर्ताओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे और जो क्षेत्र की जनता? कार्यकर्ताओं को संदेश हम लोग बुलाते हैं कि हम लोग एकजुट होकर सभी वार्डो में अपने अपने नगर वार्ड मेंबर का, अध्यक्ष का मिलजुल के प्रचार करके नगर पालिका परिषद के सभासद और चेयरमैन साथ साथ दोनों पदों पर लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते और सदन में बहुमत हो। बांसी में ही बैठक होगा या अन्य नगर पालिका या नगर पंचायत? पूरे नगर पंचायत में 11 में बैठक होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।